का अवतार मानते हैं। इसलिए थाईलैंड में एक तरह से राम राज्य है। वहाँ के राजा को भगवान श्री राम का वंशज माना जाता है। थाईलैंड में संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना 1932 में हुई। भगवान राम के वंशजों की यह स्थिति है कि उन्हें निजी अथवा सार्वजनिक तौर पर कभी भी विवाद या आलोचना के घेरे में नहीं लाया जाता। वे पूजनीय है। यद्यपि थाईलैंड में थेरावाद बौद्ध के लोग बहुसंख्यक है, फिर भी वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में राम कियेन कहते हैं, जिसका अर्थ राम कीर्ति होता है, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। थाईलैंड में रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना इसलिए संभव हुआ क्योंकि वहाँ भारत की तरह दोगले हिंदू नहीं, हिंदुओं के दुश्मन यही लोग। थाईलैंड में राम कियेन पर आधारित नाटक और कठपुतलियों का प्रदर्शन देखना धार्मिक कार्य माना जाता है। थाईलैंड में बौद्ध बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक है। वहाँ कभी भी सांप्रदायवादी दंगे नहीं हुए। इससे स्पष्ट होता है कि दंगे और आतंकवाद धर्म विशेष के लोग ही करते हैं। थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। गरुड़ एक बड़े आकार का पक्षी है जो लगभग लुप्त हो गया है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में गरुड़ को विष्णु का वाहन माना गया है। चूंकि राम विष्णु के अवतार हैं और थाईलैंड के राजा राम के वंशज हैं और बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में अटूट आस्था रखते हैं, इसलिए उन्होंने गरुड़ को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया हुआ है। यहाँ तक कि थाई संसद के सामने गरुड़ बना हुआ है। हम इसे हिंदुओं की कमजोरी समझे या दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू बहुल देश होने पर भी भारत देश के कई शहरों के नाम मुस्लिम हमलावरों या बादशाहों के नाम पर है। यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली के मुख्य मार्गों के नाम मुगल शासकों के नाम पर है। इसके विपरीत थाईलैंड की राजधानी के हवाई अड्डे का नाम सुवर्ण भूमि, यह आकार के मुताबिक दुनिया का दूसरे नंबर का एयरपोर्ट। इसके स्वागत हाल के अंदर समुद्र मंथन का दृश्य बना हुआ है और जो भी व्यक्ति इस एयरपोर्ट के हॉल जाता है वह यह दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। असली सेकुलरिज्म क्या होता है या थाईलैंड से सीखना चाहिए। अपने धर्म की उपेक्षा करके और दुश्मनों की चाटुकारी करके सेकुलर बनने से तो मर जाना ही श्रेष्ठ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसे जहां तक हो सके शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।